मध्य प्रदेश की राजनीति में वंदे मातरम को लेकर हुए विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वल्लभ भवन के प्रांगण में वंदे मातरम गाया। इस दौरान उनके साथ नरोत्तम मिश्रा, राकेश सिंह समेत अनेक पूर्व मंत्री और विधायक मौजूद रहे। दरअसल बीते दिनों कमलनाथ सरकार ने हर महीने की पहली तारीख को मंत्रालय में वंदे मातरम गाए जाने को लेकर रोक लगा दी थी, जिसको लेकर खूब बवाल भी मचा था। इस मौके पर शिवराज ने कहा कि हमने वंदे मातरम का निर्णय इसलिए किया था कि हमारी बीजेपी सरकार ने इसके गायन की शुरुआत की थी, लेकिन नई सरकार ने परंपरा को तोड़ा था, इसलिए आज यहां वंदे मातरम गायन करने का निर्णय किया था। कांग्रेस की सरकार ने वंदे मातरम पहले बंद किया, लेकिन विरोध हुआ और उस पर हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों का दबाव पड़ा, तो इसे नए स्वरूप में लागू करने की बात कही है। वंदे मातरम का कोई नया पुराना स्वरूप नहीं होता, वंदे मातरम सिर्फ वंदे मातरम है। उन्होंने कहा कि पहले हमने तय किया था वंदे मातरम गायन के बाद हम विधानसभा तक मार्च करते हुए जाएंगे, लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने इसे बाधित करने की अपनी मंशा वापस ले ली है, तो हमने मार्च का फैसला निरस्त कर दिया है।